हैप्पी मदर्स डे। वेदिका किचन किंग में आपका स्वागत है। मदर्स डे के अवसर पर आज हम आपको बिस्किट से चॉकलेट केक बनाकर दिखाएंगे। देखिए, हम कुछ बिस्किट के पैकेट ले लेते हैं। बिस्किट खोल के रख लेते हैं एक प्लेट में। बिस्किट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। देखिए, सारे बिस्किट हमने तोड़ के रख लिए। अब हम इसे एक बर्तन में डाल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार करेंगे। चम्मच से हम इस तरीके से मिलाएंगे ताकि जो घोल हम बना रहे हैं वो एकदम अच्छे से तैयार हो जाए और हमारा केक भी बहुत अच्छा तैयार होगा। देखिए, बिस्कुट हमारा एकदम जो है गल चुका है। फिर थोड़ा सा दूध डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा इसका घोल तैयार हो चुका है। अब हम इसे ढककर छोड़ देते हैं। अब हम एक और बर्तन ले लेते हैं। इसमें हमने डाले शुगर पाउडर और इसी कटोरी से हम आधा कटोरी रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से घोल लेंगे। अब हम इसमें एक कटोरी डालते हैं मैदा और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इसका अच्छा सा घोल तैयार करेंगे। देखिए, इसे हम तब तक घोलते रहेंगे ताकि इसमें दाने बिल्कुल ना रहे, नहीं तो केक हमारा जो है फूलेगा नहीं। देखिए, बहुत ही अच्छा इसका घोल तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं कुछ बूंदे एसेंस, वनीला एसेंस की, और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। एक चम्मच डालते हैं बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच हम डालेंगे खाने वाला सोडा और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। इससे जो केक है बहुत ही अच्छा फूल के बनेगा। और इसे एक ही तरीके से हमें घुमाना है, इधर उधर से नहीं घुमाएंगे। देखिए, ये वाला भी पेस्ट हमारा अच्छे से तैयार है। इसमें भी हम डाल लेते हैं आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच खाने वाला सोडा और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, अब हम एक और बर्तन ले लेते हैं जिसमें हम केक बनाएंगे। इसमें हमने बटर पेपर लगा लिया और रिफाइंड ऑयल लगा लेंगे ताकि जब हम केक बनाए तो इसमें चिपके नहीं। सबसे पहले हम इसमें मैदे वाला घोल डालेंगे। और अब हम बिस्किट वाला घोल डालेंगे। इससे हमारे केक में डिजाइन अच्छा आएगा। फिर से हम मैदे वाला घोल डालेंगे। और फिर से हम बिस्किट वाला घोल डालेंगे। ये बहुत ही अच्छा केक बनेगा। और हम थोड़ा सा और इसमें मैदे वाला घोल डालेंगे। देखिए, जब ये केक हम काटेंगे बहुत ही अच्छा दिखेगा अंदर से। बिस्किट वाला घोल थोड़ा सा और डालेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं अभी ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बनने के बाद और भी अच्छा लगेगा। प्रेशर कुकर हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम एक कटोरी रख लेते हैं
और अब हम इसमें केक वाला बर्तन भी रख लेते हैं। और अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और सीटी हम निकाल लेंगे और इसे 30 से 35 मिनट तक हम पकने देंगे। देखिए केक हमारा बनके तैयार हो गया है। देखिए हम प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल लेंगे। और इसमें से हम केक निकाल लेते हैं। देखिए हम चक्कू की सहायता से पता कर लेते हैं कि अच्छे से पका है कि नहीं। ये बिल्कुल अच्छे से पक गया अंदर तक। अब हम चक्कू से किनारे से इसको ऐसे कर लेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे केक। देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा केक हमारा बनके तैयार हो गया है। और अब हम इस पे से बटर पेपर हटा लेंगे देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फूला फूला केक हमारा बन गया है। और इसे थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के बाद इस पे हम क्रीम लगाएंगे, चॉकलेटी क्रीम, जिससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा इसका और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए हमने पूरे में चॉकलेटी क्रीम लगा लिया और अब हम लगाएंगे इस पे नारियल पाउडर, जिससे और भी अच्छा लगेगा, खाने में भी स्वादिष्ट हो जाएगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए हमने बिस्किट बचा कर रख लिए थे, इसमें से हम बिस्किट के टुकड़े रख लेंगे केक को डेकोरेट करने के लिए। और अब हम इस पे जैली वाली टॉफी रख लेंगे, इससे भी केक काफी अच्छा हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं केक हमारा बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा। देखिए अब हम हैप्पी मदर्स डे पे अपनी मदर इन लॉ से केक कटवाएंगे। ये मेरी सासू माँ है, केक काट रही है और ये घर के बच्चे हैं सभी। मैं भी केक काट लेती हूँ। और मैं अपनी सासू माँ को केक खिला लेती हूँ। और ये मेरा बेटा है शौर्य, इसको भी केक खिला लिया। और ये मेरी बेटी है शुभि, इसने भी मुझे केक खिलाया और सभी बहुत ही खुश है। शौर्य अपनी दादी को केक खिला रहा है, शुभि भी अपनी दादी को केक खिला रही है, शौर्य अब मुझे भी केक खिला देता है। और ये है वेदिका के पापा, इन्होंने अपनी मम्मी को केक खिलाया और बहुत ही खुश है सब। ये वेदिका भी अपनी दादी को केक खिला लेती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।